हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस नहीं बता पाई एक भी योजना, हमने शुरू किया जनमंच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस सत्ता में अपने कार्यकाल की एक भी योजना नहीं बता पाई। भाजपा सरकार ने जनमंच शुरू किया, इसमें लोगों की समस्याएं गांव में ही हल हो रही हैं। कोई जनमंच में नहीं आ पाता तो उनके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 नंबर शुरू किया गया है। इसमें शिकायत के बाद लोगों की समस्याओं का घर पर ही समाधान किया जा रहा है। योग की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी निधि, योगा बुक में दर्ज हुआ नाम। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरी की कक्षा 8वीं की छात्रा निधि डोगरा को राष्ट्रीय स्तर पर योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इससे पहले निधि डोगरा को योग के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अब निधि की उपलब्धियों को देखते हुए ABYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। द ग्रेट खली ने किया सम्मानित, डलहौजी के निशा को प्राइड ऑफ हिमाचल का खिताब। जिला चंबा के डलहौजी की रहने वाली मिस क्वीन ऑफ इंडिया निशा कटोच को रेसलर दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने प्राइड ऑफ हिमाचल के पुरस्कार से सम्मानित किया। निशा कटोच मॉडलिंग के साथ पहाड़ी पंजाबी और बॉलीवुड गानों व फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2014 में मिस डलहौजी का ताज अपने नाम किया था। 81 सेंटर्स में 75,803 अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। प्रदेश भर में रविवार को हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में बनाए 81 सेंटर्स में 75,803 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा दी, जिसमें पुरुष वर्ग में 60,454 अभ्यर्थी जबकि 14,653 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। वहीं 696 चालक के लिए पुरुष अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रदेश भर में लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और कहीं पर भी किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए थे। सीएम जयराम मिशन रिपीट को लेकर आश्वस्त, कहा पहाड़ पर चढ़ना भूल जाया। हिमाचल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कई नई पार्टीज आती रहती हैं, लेकिन प्रदेश का आज तक का इतिहास रहा है कि यहाँ के लोगों ने कभी तीसरे विकल्प को स्वीकार नहीं किया। आम आदमी पार्टी का प्रदेश में अभी तक कोई कद नहीं है, ये बात रविवार को सोलन में युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये बात भूल जाएं कि वे भी इस बार पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जिसे भी चुनाव लड़ना है वो लड़ सकता है, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी मिशन रिपीट करने वाली है। किन्नौर में आग लगने से 2 मकानों के 9 कमरे व 3 गौशालाएं राख, लाखों का नुकसान। जिला किन्नौर के कल्पाखंड के सापनी गांव में रविवार सुबह 2 मकानों में अचानक आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस अग्निकांड में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2 परिवारों का मकानों सहित लाखों का सामान जल गया। रविवार सुबह लगभग 9 बजे सापनी गांव के जितेंद्र के मकान में अचानक आग लगी और यह आग फैलते फैलते साथ लगते विनय सिंह व प्यारे लाल के मकान में भी फैल गई। जैसे ही ग्रामीणों को आग लगने की सूचना मिली तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और ग्रामीण एक होकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। इसके साथ ही सूचना अग्निशमन विभाग, रिकांग पीओ व JSW कंपनी को दी, लेकिन हवा चलने के कारण आग और भी तेजी से फैलती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को स्कूल में ही सुनेंगे देखेंगे विद्यार्थी, विभाग ने निर्देश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश के स्कूल्स में 1 अप्रैल को लाइव प्रसारण होगा। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों सहित स्कूल प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को निर्देश जारी कर व्यवस्था करने को कहा। स्कूल प्रभारियों को कहा गया कि इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। स्कूल्स में ही टीवी, रेडियो और इंटरनेट का इंतजाम करें। दूरदर्शन सहित वेबसाइट पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। स्कूल सुनिश्चित करें कि इस दिन विद्यार्थी उपस्थित रहें। HP पुलिस टेस्ट, यहां भीड़ बढ़ी तो बिना QR कोड स्कैन किए ही दे दी परीक्षा केंद्र में एंट्री।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में जब परीक्षार्थियों की भीड़ बढ़ी तो बिना क्यूआर कोड स्कैनिंग के ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करवा दिया गया। इस दौरान उनके आधार कार्ड, रोल नंबर पर लगी फोटो और उनकी मंगवाई गई फोटो के जरिए जांच मौके पर की गई। मंडी के संस्कृति सदन में लड़कियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहां पर 92 लड़कों सहित 2534 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। माता ब्रजेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में खड़े दंपति की गोद में ही 8 माह की बच्ची की मौत। मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शनों को आए यूपी के दंपति की 8 माह की बच्ची की मौत हो गई। बेटी सहित माता पिता मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। बेटी लाइन में लगे हुए बेहोश हो गई। इसके बाद उसे उपचार के लिए टांडा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मृतका के शव का पंचनामा किया गया है। बताया जा रहा है कि माता ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे दंपति की 8 महीने की बच्ची की बीमारी से मौत हुई है। थप्पड़ कांड के बाद अब इस वजह से सुर्खियों में आए मुख्यमंत्री के पीएसओ, जानिए क्या है मामला। हाल ही में कुल्लू में हुए थप्पड़ कांड के दौरान चर्चा में आए सीएम के पीएसओ बलवंत कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार भी मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है और पीड़ित महिला ने उनके खिलाफ पुलिस थाना ओट में मामला दर्ज करवाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना ओट में बाली चौक की निवासी कुशला देवी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 25 मार्च को दोपहर करीब 12:30 बजे जब वो अपनी जमीन पर काम कर रही थी, इस दौरान बलवंत कुमार उसकी जमीन पर जेसीबी चलाने लगा। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो महिला के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसके बाद आरोपी ने महिला का रास्ता रोका और मारपीट करने लगा। आरोप ये भी है कि जब महिला का बेटा राजेंद्र कुमार अपनी माँ को बचाने के लिए आया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने शिकायत में पीएसओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला की शिकायत पर बलवंत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।